हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आसान विज्ञान पर। दोस्तों, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है जिसमें कि 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आज हमें यहाँ पर 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर। इस बार हमें जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है, पर किस मेथड से करना है, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख चुका हूं, अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें यह करना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है, 2, इसे हमें 1 बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कॉम्पिशन क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको 2 को 1 बनाने के लिए मैं जो भी यहां पर लिखा होगा उसी का पूरे इक्वेशन क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मतलब 2 है यहां पर, तो मैं 2 का पूरे इक्वेशन क्या कर दूंगा, डिवाइड, कुछ इस तरह से 2x स्क्वायर अपॉन 2 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें 2 से क्या कर देना, यहां पर डिवाइड कर देना। अभी इसके बाद तो कर देते हैं 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर इस तरह से हो जाएगा, अब 2 यहाँ से हट गया, चलो ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसे इतने बस इतने को हमें फॉर्मूला बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इस टर्म्स को हमें इस फॉर्म में बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस रूप में अपने को लिखना है, पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा बनाना है अपने को जिसको हम बाद में कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक हो गया, तो यहां पर ये चीज है एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म्स यहां पर है, सेकंड टर्म्स नहीं यहां पर, ये थर्ड वाला टर्म्स भी यहां पर है, ये दोनों यहां पर अवेलेबल है, बस ये यहां पर नहीं है। तो बी स्क्वायर को लाने के लिए हम देखो यहां पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर समझो इसको, पहला टर्म्स यहां पर दिया हुआ है, दूसरा टर्म ये वाला भी यहां पर दिया हुआ है, ये बी स्क्वायर यहां पर नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर को यहां पर हमें रखना है। ठीक है ना, और बी स्क्वायर क्या होगा वो आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें बी स्क्वायर क्या लेना है। और बी स्क्वायर को लाने का तरीका मैं बताऊं, जो भी एक्स का कॉफिशियंट है, जो भी एक्स का क्या है कॉफिशियंट है, एक्स का कॉफिशियंट कितना है 7/2, एक्स का कॉफिशियंट कितना है 7/2, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। जो भी एक्स का कॉफिशियंट होगा उसे क्या करना है स्क्वायर, पहले इसका आधा करना है, 7/2 क्या करना है आधा, 7/2 का आधा, आधा आपको पता है किसी का भी आधा करना है तो आप उसको क्या करते हो, 2 से कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, यानी कि ये हो जाएगा 7, ये 2 × 2, ये 2 यहीं जाएगा। ठीक है, तो 7/4, मतलब जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको क्या करना है, पहले आधा करना, आधा आप 2 से करते हो, ठीक है, 2 का डिवाइड करते हो तो वो चीज़ आधी हो जाती है। ठीक है, तो हमने उसका हाफ कर देना, तो क्या हो जाएगा 7/4। तो आधा करने पर यानी कि हाफ करने पर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 7/4 आ रहा है, उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है, हाफ करने पर जो भी आएगा उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, और उस स्क्वायर को इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। जोड़ने वाला मैं यहां पर लिखूंगा और घटाने वाला यहां पर लिखने वाला हूं। ठीक है नी, सबसे पहले एक बार फिर समझो, जो भी एक्स का कॉफिशियंट होगा उसका हाफ करना है, हाफ कैसे करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर उसको यहां पर ऐड भी करना है और यहां पर सबट्रैक्ट भी करना है। ऐड करने वाला मैं यहां लिखने वाला हूं, सबट्रैक्ट करने वाला यहां लिखने वाला हूं, तो ये तरीका थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो माइनस, देखो प्लस, इसका हाफ कितना होगा 7/4, उसका स्क्वायर करना है, ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है, ऐड करने वाला यहाँ लिखो, सबट्रैक्ट करने वाला पीछे। ठीक है, और इसके बाद माइनस 7/2 एक्स, ऐड करने वाला यहाँ पे लिख दिया मैंने
और सब्ट्रैक्ट करने वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ 7/4, जितना आप जोड़ते हो उतना ही आप घटाते हो, ठीक है नहीं? तो ये हो गया। अब ये 3/2 रह गया यहाँ पर, इस 3/2 को मैंने यहाँ लिख दिया 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। इसका हाफ किया, फिर उसका स्क्वायर किया, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, बाकी सारे चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई हैं, बस ये चीज़ दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है नहीं? और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, जो कि बन चुका है, ठीक है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 7/4 का और स्क्वायर 2ab, ये 2ab है, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर 2 लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो और उनको मल्टीप्लाई करो, तो यही आने वाला है, ठीक है? तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको, जैसे इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी इस रूप में लिखूँ, यानी कि जैसे इन्होंने अपना पहला पद लिखा है यहाँ पर, फिर दूसरा पद लिखा है, फिर माइनस किया, फिर होल स्क्वायर कर दिया, हम भी ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना पहला पद लिख रहे हैं एक्स, फिर माइनस लगा रहे हैं, दूसरा पद लिख रहे हैं 7/4 और उसे कर देना होल स्क्वायर, ठीक हो गया ना? तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको मैं फिर से खोलूंगा तो मुझे यही मिलने वाला है, ये भी कन्फर्म है, ठीक है? तो इन तीनों टर्म्स को मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी ये दो बचे हैं, क्या क्या बचा? 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 4 का 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को उधर ले जा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और नहीं तो यहीं पे सॉल्व करना तो यहीं पे सॉल्व कर लो और उधर ले जाना, उधर ले जाना, चलो मैं उधर ले जाता हूँ। ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो किस में उधर जाएगा, प्लस में, तो 49/16 माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3/2। अब इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 16, यहाँ पे बचेगा 49 माइनस यहाँ पे 2a 24, कुछ इस तरह से, उसके बाद देखो क्या करना है, इसमें हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 माइनस करना है तो 5 to 25/16, स्क्वायर आटा यहाँ से, जब भी स्क्वायर आट का यहाँ पे क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा है, अंडर रूट 25/16 और साथ में क्या आता है, प्लस माइनस, ठीक है नहीं? स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं, यहाँ क्या लगे, अंडर रूट प्लस माइनस, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 4, ठीक है? तो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हमें एक बार इस प्लस को लेकर सॉल्व करना है और एक बार इस माइनस को लेकर सॉल्व करना है, ठीक है? एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, ठीक है ना? ये प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। अभी माइनस 7/4 को उस तरफ भेजो तो 5/4 तो अपनी जगह में है, ये उधर जाएगा तो ये भी किस में जाएगा, प्लस में 7/4, एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ 5 और यहाँ 7, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 5 प्लस 7 कितना होता है, 5 प्लस 7 होता है 12 बाई फोर, काटो इसे कितना आएगा 3, तो x की एक वैल्यू आई है कितनी है 3, ठीक है? एक रूट आ गया, ठीक है? अभी दूसरा लेने के लिए अब ये माइनस वाला लेके चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है नहीं? इस बार माइनस लेके चलेंगे, यानी कि ये कुछ इस तरह से एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, ठीक है? अब ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, इसमें एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये 7-5, तो एक्स इक्वल टू 7-5 कितना होता है, ये होता है 2 by 4, काटेंगे कितने से, 2 से ऊपर भी काटेंगे और 2 से नीचे भी, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो दो रूट आए हैं इसके, एक कितना आया 3 आया है और दूसरा कितना आ गया इसमें 1/2, ठीक है नहीं? तो ये दो रूट हैं, कॉम्पलेटिंग द स्क्वायर रूट से हमने इसको किया है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट का फर्स्ट। इसके बाद इसका सेकंड करते हैं, आप इसे नोट करो, मैं रब कर दे रहा हूँ इसको। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है 2x² + x - 4 = 0। 2x² + x - 4 = 0। सेम यही तरीका जो हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले जो भी x का कोफिशियंट है उसका पूरी क्वेश्चन में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, तो डिवाइड कर देना इसका, तो ये हो जाएगा 2x² / 2 + 2 का डिवाइड यहाँ पर भी करोगे तो कुछ इस तरह से लिख देना इसको। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, -4/2। ठीक है ना, आप डायरेक्ट करना, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ ना इसे। तो x² + 1/2x - काटो कितने में करेगा, 2 टाइम्स कटेगा तो 0। ठीक है, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये कहा था कि जो भी x का जो कॉफिशियंट होगा, x का जो भी इसमें कॉफिशियंट है उसका हाफ करूं, यानी कि 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4, फिर उसका स्क्वायर करूं और इसी को जोड़ो भी, इसको घटाओ भी इसमें। ठीक है, तो ये फिर ये करते हैं, स्क्वायर + 1/2 का हाफ कितना होता है, 1/4, फिर उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड करने वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ऐड करने वाला यहाँ लिख दिया, फिर इसको लिख दे रहा हूँ 1/2x, सब्ट्रैक्ट करने वाला पीछे लिख दिया मैंने 1/4। ठीक है, ये लिख दिया सब्ट्रैक्ट, -2 = 0, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एक बार जोड़ना, एक बार घटा देना। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये बनेगा प्लस वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला a² + b² + 2ab, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को हमने इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपेंड खोलूँगा, इसको अगर एक्सपेंड करूँगा दोबारा मुझे यही मिल जाएगा। ठीक है, और इतने तीनों को मैंने ये लिख दिया, अब इन दोनों को लिख रहा हूँ मैं 1/4, 1/4 को हो जाएगा 1/16 - 2 = 0। अब इन दोनों को उधर भेज दूँ तो हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों उस तरफ जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, दोनों जब उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा 16, यहाँ पर कुछ जाएगा 1 और यहाँ पर 32, एलसीएम लेके सॉल्व करो कितने आएगा। उसके बाद इसमें x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 + 1 कितना होता है, 33/16। स्क्वायर जब यहाँ से हटाओगे आपको पता है उस तरफ क्या लगने वाला है, अंडर रूट लगेगा, और साथ में प्लस माइनस दो वैल्यू आती हैं, जब स्क्वायर हटाते हो तो दो वैल्यू आती हैं, तो हो जाएगा x + 1/4 = + - ये हो जाएगा √33। इसका तो अंडर रूट होता नहीं था, इसको हमने वैसे लिख दिया, 16 का होता है 4, तो वो इससे 16 से अंडर रूट हट गया। तो फिर से वही एक बार प्लस वाला लेके चलो, तो नहीं एक बार प्लस चिन्ह लेके चलो, एक बार माइनस चिन्ह, इस बार मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, तो x + 1/4 = + 33/4, तो x = कितना आ गया, √33/4, ये वो +1/4 उधर गया तो -1/4, और ये एलसीएम ले लो 4, तो ऊपर कितना आ गया 33 - 1। ठीक है नहीं, तो ये एक वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है नहीं, एक आंसर आ गया मतलब हमारा। ठीक है, दूसरा माइनस लेके चलो, माइनस जब लेके चलोगे तो कितना जाएगा, x + 1/4 = - √33/4, अभी उस तरफ जाएगा तो ये भी किसमें हो जाएगा चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा माइनस में, 33/4 तो पहले से ये प्लस का उस तरफ गया तो ये भी माइनस का 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 4, तो आ गया -33
33 माइनस वन, अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना जाएगा फिर, 33 प्लस वन डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, दूसरा आंसर ये आ गया। तो दो आंसर हैं इसमें, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो ये भी हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट हम करेंगे अभी। तो मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है नहीं। सेम फिर वही तरीका है, इस बार फोर क्या करना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इसे करना वन करना है। तो फोर का पूरी क्वेश्चन क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस फोर अंडर रूट थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, जहाँ जहाँ जो भी दिख रहा है सब में डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं पर ये जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, इस फोर से ये फोर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। तो चलो ये ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा था जो भी एक्स का कॉफिशियंट होगा उसका आधा करना है। इस बार अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री का आधा कितना होगा, टू, ठीक है। आधा मतलब इसका हाफ करना है, हाफ कर दिया। हाफ कैसे करते हैं, टू का डिवाइड करके, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर इसी को इसमें ऐड भी करना है और इसी को करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। ऐड करने वाला यहाँ पर लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट करने वाला पीछे लिखूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऐड, देखो इसका हाफ कितना होता है, अंडर रूट थ्री बाई टू, उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना फिर, और फिर इसको लिख दो फिर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स, फिर माइनस इसी को लिखो एक बार दोबारा रिपीट। जितना हम जोड़ते हैं उतना हम घटाते भी हैं बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ये थ्री बाई फोर लिख दिया मैंने यहाँ पर, थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद ये स्टार्टिंग के तीन तो बन जाएंगे फॉर्मूला, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको फिर से खोलूंगा तो मुझे दोबारा यही मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो दो हैं इनको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर का, ये जब इसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री, और टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, प्लस आगे भी कितना है, थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हो कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और सेम क्वांटिटी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो जीरो हो गया, तो कुल मिला के मिल क्या रहा है यहाँ पर, अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है नहीं। अब देखो इसको, ये स्क्वायर है ना, इसको दो बार भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं, यानी कि इसको एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, इसको मैंने दो बार लिख दिया, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू इस तरह से जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, ठीक है। वैन ये दोनों सेम चीज़ें हैं तो आंसर यहाँ पर सेम आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसको लिख दिया मैंने तो इसके बराबर कितना जाएगा, एक्स इक्वल कितना आ गया, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। इसको भी लेके चलोगे तब भी कितना आएगा आंसर, सेम आएगा। जब इसको लेके चलोगे वो भी तो सेम चीज़ लिखी है वहाँ पर, तो ये भी कितना आएगा, माइनस का अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें, तो दोनों आंसर यहाँ पर क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। तो इसे भी नोट कर लो, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो सेम रूट इसमें आया है, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो मैं इसको रफ कर देखूँ,
इसमें जो फोर्थ पार्ट है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये दिया है फोर्थ पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो फिर से वही काम इसमें करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको वन करना है, वन करने के लिए पूरी इक्वेशन क्या कर देंगे, टू का डिवाइड कर देंगे, सब जगह मैंने टू का कर दिया, डिवाइड कर दिया, टू का डिवाइड करके फिर कैंसिल होगा कुछ, तो ये भी कैंसिल होगा, टू टाइम्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। फिर मैंने कहा था कि एक्स का जो भी कोफिशियंट होगा उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो एक्स स्क्वायर इसका हाफ कितना होता है, वन बाई फोर, फिर इसका स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने वाला भी पीछे लिखूंगा, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर कर दिया, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीन टर्म तो बन जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है इसमें एक्स और बी कितना है इसमें वन बाई फोर और उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा दोबारा, मुझे यही मिल जाएगा, और आगे के ये दो टर्म्स हैं इनको ऐसे लिख दिया, वन बाई फोर यानी कि वन बाई सिक्सटीन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों को उधर भेज दे रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस वन बाई सिक्सटीन जो माइनस का है उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का टू उस तरफ जाएगा तो माइनस का टू, ठीक हो गया। तो इसके बाद इसमें हम क्या लेने वाले हैं, इसके बाद इसमें लेने वाले हैं एलसीएम, क्या ले लेंगे इसमें एलसीएम, तो एक्स प्लस वन बाई फोर एलसीएम कितना आएगा, 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन माइनस 32, तो एक्स प्लस वन बाई फोर स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस का 31 डिवाइड बाय 16, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो उस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस और अंडर रूट लग जाएगा, माइनस का 31 बाय 16, ठीक है ना। और ये जो क्वांटिटी आई ना नेगेटिव में, नेगेटिव में ये क्वांटिटी आई है, इसका मतलब कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव में अगर आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना, ये कैसा नंबर होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये कोई रियल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ से ये कह देंगे इसके बाद कि इसका कोई रियल रूट है ही नहीं, ठीक है नहीं। सो देखो नेगेटिव आएगा ना उसके बाद ये ऐसा लिख देगा, सो देयर इज नो रियल रियल वैल्यू लिखते हैं, सो रियल वैल्यू, ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देना। तो ये भी हो गया फोर्थ पार्ट इसका, तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट के चार पार्ट हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।